वेलकम टू माय चैनल हेल्थ। मैं आपको आज बालों की ग्रोथ के बारे में बताऊंगी। बालों की ग्रोथ आप कैसे बढ़ा सकते हैं? देखो, आजकल लोग बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए बहुत सारे पैसों को व्यर्थ करते हैं और बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं बालों में, लेकिन उससे कुछ भी उपाय नहीं होता। तो मैं आज आपको सिंपल सी होम रेमेडी बताऊँगी, जिससे आपके बाल हफ्ते में ग्रोथ तो हो ही जाएगा, उसके साथ में आपके बालों का झड़ना भी बंद हो जाएगा। तो प्लीज़ आप जो भी, अगर आपको डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं आपको आज बताती हूँ कि बालों को झड़ने से हम कैसे रोक सकते हैं और उनकी ग्रोथ कैसे बढ़ा सकते हैं। एकदम सिंपल सी रेमेडी है और ये रेमेडी में हमको मिस बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही सामान मिल जाता है। जो भी चीज़ें हैं वो घर में ही आसानी से अवेलेबल होती हैं। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहला इंग्रेडिएंट है हमारा कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल हम एक दो दिन पहले, जब भी आपको बाल हेयर वॉश करना है उसके एक दिन पहले कोकोनट ऑयल आपके बालों में लगा लें। उसके दूसरे दिन सुबह आप एक ऑनियन होता है ना रेड कलर का ऑनियन ले और उसको मिक्सर में निकाल लें, मीन्स उसका छिलका वगैरह निकाल के उसको मिक्सर में निकाल लें। उसका पानी एकदम पतला कर लो उसको और फिर उसका छान लो। उसको छानने के बाद जो नीचे पानी होता है ना उसका, मीन्स ऑनियन का, वो पानी आप अपने जड़ों में, मीन्स हाथों की उंगलियों से जड़ों में लगा लो और एक दो घंटे बस रहने दो। उसके बाद आप अपना शैम्पू जो भी आप यूज़ करते हैं, मोस्टली मैं रिकमेंड करती हूँ डव शैम्पू, बिकॉज डव शैम्पू हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो डव शैम्पू अगर आप लगाते हो तो बहुत हेल्दी होगा और आपके बालों को मीन्स नुकसान नहीं होगा। मैं अभी तक तो डव ही शैम्पू लगाती हूँ, तो आप भी डव शैम्पू मैं आपको रिकमेंड करती हूँ। आप ये जो रेमेडी मैंने आपको बताई वो अगर आप हर हफ्ते यूज़ करोगे अपने बालों के लिए तो आप बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट पाओगे। और पॉजिटिव रिज़ल्ट अगर आपके बाल कम हो गए, झड़ के कम हो गए हैं, मीन्स कुछ किसी तेल आपने कुछ लगाया, कुछ शैम्पू लगाया उससे बाल चले गए, तो ये बहुत ही होम रेमेडी बहुत अच्छी अच्छी है। आप अच्छे से यूज़ करो और आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। अगर आप मेरे वीडियो से हैप्पी हैं तो प्लीज़ मेरा वीडियो सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें। थैंक यू गाइस। अगर कुछ डाउट है, अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।